अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ आईपीएस अधिकारी और स्पेशल डीजीपी राजेंद्र कुमार से फटकार सुननी पड़ी। अक्षय की वायरल होती पिक्चर्स पर छत्तीसगढ़ आईपीएस अधिकारी राजेंद्र कुमार ने अपने ट्वीट से एक्शन किंग अक्षय की क्लास लगाई। अक्षय ने हाल ही में अपनी मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी के बीटीएस मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, अजय देवगन, रोहित शेट्टी के साथ पुलिस यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे थे, जहां अक्षय, अजय और रोहित एक दूसरे के बगल में खड़े दिख रहे हैं, वहीं रणवीर उनके बीच में डेस्क पर बैठे हैं। डीजीपी राजेंद्र कुमार ने अक्षय द्वारा शेयर की गई पिक्चर्स पर ट्वीट किया कि इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं और एसपी साहब खड़े हैं, ऐसा नहीं होता है जनाब। अब इस पर अक्षय कुमार ने रिएक्ट करते हुए अपनी सफाई में कहा, जनाब ये तो बिहाइंड द सीन फोटो है, हम कलाकार लोगों के लिए जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वैसे ही हम प्रोटोकॉल में वापस आ जाते हैं, हम हमारे महान पुलिस बलों पर हमेशा फख्र करते हैं। उम्मीद है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको यह फिल्म पसंद आएगी। खैर, अक्षय और डीजीपी आई चीट चैट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई डीजीपी राजेंद्र के ट्वीट पर सहमति जता रहा है तो कोई अक्षय के चाहने वाले उनके जवाब की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 22 अक्टूबर से सिनेमाघर खुलने की घोषणा की है, जिसके बाद दर्शक ही नहीं फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने खुशी जाहिर की है। बहरहाल अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट की घोषणा से उनके फैंस में काफी खुशी है। वैसे ये फिल्म 24 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण इसे कई बार डिले किया गया। सूर्यवंशी की बात करें तो फिल्म में कैटरीना कैफ भी मुख्य भूमिका में है। वहीं अजय देवगन और रणवीर सिंह गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अब बस सभी को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। दिवाली के मौके पर हॉलीवुड फिल्म इंटरनल्स रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म भारत में 6 भाषाओं में रिलीज होगी। दिवाली के मौके पर अब सूर्यवंशी और सुपर हीरोज की भिड़ंत होने वाली है। अगर दिवाली पर कोई और फिल्म भी रिलीज होती है तो इसका फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ेगा। सूर्यवंशी के अलावा अक्षय कई बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, जिनमें बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, राम सेतु सहित कई अन्य फिल्मों के नाम शामिल हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं फिल्म की अभिनेत्री कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सूर्यवंशी दर्शकों को कितनी पसंद आती है। INS रिपोर्ट।